नरेंद्र भैया, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम आपको थंबनेल से जैसा कि पता ही चल गया है, बड़े ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, दारू के पंप और दारू की मोटरसाइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे दारू से आदमी तो चलता ही है, अब दारू से मोटरसाइकिल भी चलेगी भैया, बड़े ही कमाल की बात है। यदि कहीं बाइक पर राइड करते करते आपका पैक सेक लगाने का मन बन जाए तो मोटरसाइकिल रोक के टंकी से निकालिए, पानी मिलाइए, पैक बना के पी लीजिए। ये तो हो गया मजाक। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ अपाचे की नई हाल ही में लॉन्च हुई एथेनॉल पावर्ड मोटरसाइकिल के बारे में। इस बाइक का नाम है अपाचे आरटीआर 200 एफआईई 100। ये इस बाइक का नाम है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। इसके अंदर अपाचे आरटीआर 200 जैसा ही सब कुछ है, कुछ अलग से इसमें फिजिकल चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ग्राफिक चेंज किया गया है, थोड़ा इंजन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो इस बाइक के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डिटेल के अंदर। तो इस बाइक से हमें जो पावर मिल पाएगी वो इस बाइक से हमें मिल पाएगी 21 PSP की पावर ये जो है प्रोड्यूस करेगा, और इससे 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिल पाएगा। और इस बाइक की यदि प्राइस की बात करें तो पेट्रोल की जो बाइक है उससे ये सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास ही ज़्यादा महंगी है। इस बाइक की जो प्राइस होगी वो होगी 1,20,000 रुपये, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर फ्यूल के रूप में डलेगी दारू। जी हाँ, एथेनॉल इसके अंदर फ्यूल के लिए यूज़ में किया जाएगा। इसके अंदर जो है प्योर एथेनॉल भी यूज़ लिया जा सकता है, और यदि इसके अंदर 20% पेट्रोल और 80% एथेनॉल है वो भी इसमें एज ए फ्यूल यूज़ लिया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये जो है मोर इकोनॉमिक बाइक हो जाएगी। इसकी जो यदि हम प्राइस पर किलोमीटर की यदि काउंट करेंगे तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी यदि बताएं तो इसकी जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ नहीं करेगी, ये नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ नहीं करेगी, और भी काफ़ी सारे जो हैं हार्मफुल गैस हैं वो इससे रिलीज़ नहीं होंगे। इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो सकती है, H2O रिलीज़ होगा, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा जो है पोल्यूशन नहीं फैलेगा। बात करेंगे कि इसके अंदर जो एथेनॉल जो हमें एज ए फ्यूल इसके अंदर बार बार रिफिल कराना पड़ेगा, वो एथेनॉल कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, तो इसके बारे में बात। ये तो आपने देखा ही होगा, ये है गुड़। तो जी हाँ, जो शुगर कैन है, जो गन्ना होता है उसकी जो शुगर मिल होती है वहाँ पे ये गुड़ होता है, और इस गुड़ से जो है एथेनॉल जो है बड़े ही आराम से बनाया जा सकता है। और उसकी यदि प्राइसिंग की बात करें तो एथेनॉल जो है वो हमें अवेलेबल हो सकता है, ये अनुमान है, 50 से 55 रुपए प्रति लीटर पे हमें आसानी से एथेनॉल अवेलेबल हो जाएगा। एथेनॉल के पंप लगेंगे, पेट्रोल पंप पे ही एथेनॉल का पंप लगेगा, अलग से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, काफ़ी सारी जो शुगर मिल हैं उन्हें भी ये लाइसेंस दे दिया गया है एथेनॉल प्रोड्यूस करने का। लेकिन इसके जो है कई नुकसान भी हैं, कि एक तो एथेनॉल जो है वो बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, पानी जैसे कलर का होता है, और इसके अंदर पानी आराम से घुल जाता है, ये पानी में घुल जाता है, तो इसके अंदर हमें जो है मिलावट का पता नहीं चल पाएगा देख के। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंट तो आपको पता है, ये जो है सस्ती भी हमें रहेगी बाइक, और दूसरी बात एथेनॉल से चलेगी। एथेनॉल तो यदि आप चाहें तो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है घर पर बनाना। और इसके अंदर बाकी आप सब सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है, तो लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कि एक तो जो पोल्यूशन है वो उससे हमें मुक्ति मिल पाएगी, और दूसरी बात जो है हमारे किसान भाई हैं उनको गन्ने की अच्छी कीमत मिल पाएगी, रोज़गार जो है वो देश को मिल पाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप बताइएगा ज़रूर मेरे को इस बाइक के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप चाहते हैं। यदि ये आपको इसके पंप जो है एथेनॉल पंप यदि इजीली अवेलेबल हो जाए तो क्या आप 10,000 रुपये ज़्यादा दे के एथेनॉल बाइक लेना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे को पता है वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और हमें आपके लिए नई वीडियो लेके आने की हिम्मत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।